तो हेलो दोस्तों दोस्तों एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी आ गई है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, बैंकॉक ब्रेकिंग हेवन एंड हेल के नाम से, जो कि आपको हिंदी डब के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। और फाइनली मैंने इस मूवी को देखकर ख़त्म कर लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको इंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, दोस्तों इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी वांचाई नाम के किरदार के ऊपर, जो कि एक रेस्क्यूअर है। आई मीन भाई साहब, वो लोगों की जान बचाता है, या फिर ये कह सकती हो कि वो एक पैरामेडिकल स्टाफ है। लेकिन किसी एक खास कारण से फिलहाल वह अपनी जॉब खो चुका है, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप कर लेता है। आई मीन भाई साहब, उसकी किडनैपिंग में शामिल हो जाता है। लेकिन अब वो उस छोटी बच्ची को बचाने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो इसके आगे कहानी में क्या होगा, किस किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अगर आप ये सब जानने के इच्छुक हो तो आप नेटफ्लिक्स की तरफ जा सकते हो। मूवी की लेंथ है 2 घंटे और 26 मिनट के आसपास। और हाँ, यह मूवी आपको हिंदी डब के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो अब अगर एक लाइन में मुझे इस मूवी का रिव्यू करना हो तो मैं यही कहूँगा कि भाई, यह एक शानदार, जानदार और दमदार मूवी लगी मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो दोस्तों, इस मूवी में जितनी भी स्टार कास्ट है ना, जितनी भी, चाहे वो लीड एक्टर्स हो या फिर सपोर्टिंग कास्ट हो या फिर वो चाइल्ड एक्टर्स हो, भाई सबका काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। स्पेशली जो इसका हीरो है ना, उसको देखकर आपको मज़ा आएगा। बात करें पॉजिटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है भाई साहब, जिसमें रेस्क्यूअर की जर्नी को अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि उनकी लाइफ में कितनी कितनी प्रॉब्लम आती है, कैसे वो लोगों की जान बचाते हैं, अपनी जान को कैसे जोखिम में डालते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। और हाँ, जिस तरीके का इन्वायरमेंट इस मूवी में देखने को मिलेगा ना आपको भाई साहब, उसको देखकर भी आपको मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो बहुत ही फास्ट पेस है। आई मीन भाई साहब, मूवी अपने फर्स्ट सीन से ही स्पीड पकड़ लेती है, जो फटाफट अपने मेन टॉपिक पर आ जाती है। और यह मूवी आपको हुक एंड बुक करके रखेगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन वर्क, इसकी हिंदी डबिंग और इसका बीजीएम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों इस मूवी के जो एक्शन सीक्वेंस है ना, वो भी काफ़ी अच्छे हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ भी किया गया है। बात करें नेगेटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी में थोड़ी बहुत खामियां भी है। आई मीन भाई साहब, जो इस मूवी की लेंथ है ना, वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। और कहीं कहीं पर तो यह मूवी ड्रैग हो रही थी भाई साहब, क्योंकि यार इस मूवी में नए नए कैरेक्टर ऐड हो रहे हैं और उनको देखकर आप एक टाइम पर आकर तो आप ये बोलोगे कि साला क्या ही चल रहा है यार मूवी में भाई, और इस लड़की को आखिर क्यों किडनैप किया, किस लिए किडनैप किया, कोई अता पता नहीं है। और उससे भी कमाल की बात तो ये है कि जिस बंदे ने इस लड़की को किडनैप किया ना, वो भी लास्ट में उसको बचा ही रहा है, तो भाई फिर किडनैप ही क्यों किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ, ऑल इन ऑल यह है एक बेहतरीन मूवी लगी मुझे, जिसमें आपको अच्छा खासा एक्शन मास मसाला देखने को मिल जाएगा। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, दोस्तों इस मूवी में कोई भी न्यूडिटी नहीं है, वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत बिलो द बेल्ट गालियाँ सुनने को मिल सकती है, और एक किसिंग सीन भी है। तो अगर इनसे प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। दोस्तों मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे आराम से 4 out of 5 स्टार। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस मूवी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।